इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। सलाम अलैकुम इमाम साहब, मेरा नमाज के हवाले से एक सवाल है। अगर कोई शख्स जोहर की नमाज में इमाम के पीछे चौथी रकात में शामिल हुआ, अगर कोई चौथी रकात में शामिल हुआ जमात में, तो उस आदमी को जब इमाम साहब अत्तहियात में बैठते हैं तो उस आदमी को अत्तहियात, दरूद इब्राहिम और दुआए मसूरा ये पूरा पढ़ना पढ़ना चाहिए या फिर सिर्फ अत्तहियात पढ़नी चाहिए, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहाँ तक पढ़नी चाहिए? प्लीज़ इसका जवाब इनायत फरमाएं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इमाम साहब नहीं हूँ और आपका जवाब ये है कि सिर्फ अत्तहियात पढ़नी होगी और जब तक इमाम साहब आगे की चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें कलमा शरीफ को बार बार वो रिपीट करता रहें, दोहराते रहें, फिर जब इमाम साहब सलाम फेरे तो वो खड़े होकर बाकी की नमाज को मुकम्मल करें। यह हर उस मुक्तदी के लिए है जो जिसके लिए कादा उला हो लेकिन इमाम का यह कादा आखिरा हो, तो ऐसे सूरत में वो दुरूद और दुआ वगैरह नहीं पढ़ेगा। सिर्फ तशहुद पढ़ने के बाद, अत्तहियात पढ़ने के बाद, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, चाहे तो रिपीट कर ले या फिर खामोशी इख्तियार करे। बेहतर यह है कि पढ़ता रहे जब तक इमाम साहब सलाम ना फेरें और फिर अपनी बाकी की नमाज जो है वो मुकम्मल करें। अब अगर इसको ये रकात आखिरी जो है रुकू तक मिल गई, यानी इसमें रुकू मिल गया, तो फिर ये रकात भी इसकी शामिल होगी और अगली जो पड़ेगा वो दूसरी होगी, तो उसमें भी फिर ये बैठेगा। और अगर ये कायदा ही मैं इमाम के साथ मिला था तो फिर इसकी ये रकात जो है वो मिली नहीं, फिर ये बाकी अपनी चारों मुकम्मल पड़ेगा। पुरानी बात।